हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की किस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक सबस्टेशन जो ईडीडी सेकेंड में हमारा चैप्टर है उसको पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों क्या है कि ये जो चैप्टर है हमारा, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन हो गए, थोड़ा सा डिले हो गए हैं। तो ऐसा नहीं कि अभी आप कोई लापरवाही बरतें, इस वजह लापरवाही ना करें और क्लासेस रेगुलर आपको इसी तरीके से कुछ रिविज़न, कुछ नोट्स, कुछ प्रैक्टिस ऐसे आपको प्रॉपर यहाँ पर इस चैनल पर मिल रही हैं। डेली आपको क्लासेस किसी तरीके से आपको कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मतलब याद नहीं हो रहा, समझ में नहीं, तो आपको जैसे ज़्यादा यहाँ पर अब जो क्लासेस आपको मिलेगी ऐसी शॉर्ट फॉर्म में और इस तरीके से कि आपको अच्छे से समझ में भी आए। ये जो आज की क्लास है ये एक हमारी कह दिया जाए कि एक बहुत अच्छी क्लास है। सो प्लीज़ क्लास को पूरा देखिएगा। सबस्टेशन आप पढ़ भी चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट्स हैं अभी हो सकता है उसमें से आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप ये इस क्लास को पूरा देखिएगा। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव नहीं, लेकिन हाँ वो जो एक जिनसे ऑब्जेक्टिव 100% बनते हैं वो सारे क्वेश्चनों की मैं यहाँ पर बात करूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रिक सबस्टेशन की। मैंने यहाँ पर नोट्स इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको समझाऊंगा मैं हिंदी पे। हिंदी इंग्लिश दोनों पे ये नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रिक सबस्टेशन का वर्क क्या होता है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि आप लोग ये समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सबस्टेशन का वर्क होता है वो केवल हमारा उसको वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करना होता है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हमारा जो इलेक्ट्रिक सबस्टेशन होता है उसका वर्क फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना होता है, एसी को डीसी में भी चेंज करना होता है, वोल्टेज रेगुलेशन को भी ठीक करना होता है और सप्लाई सिस्टम को कंट्रोल एंड ऑपरेट करना भी होता है, सही, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक सबस्टेशन के वर्क होते हैं। अभी तक आपको हो सकता है कि और फर्स्ट ही पता हो, लेकिन हो सकता है कि ऐसा भी आ जाए क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक सबस्टेशन का प्रयोग करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन में, एसी टू डीसी कन्वर्ट करने में, स्टेप अप स्टेप डाउन करने में, फिर सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करने में। तो हो सकता है आप यहाँ पर आप ये देखें कि स्टेप एंड स्टेप डाउन है तो वो उसी को ठीक कर दें, तो इससे आपका गलत हो सकता है। तो इस वजह से उससे सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, इस वजह से मैं सारे पॉइंट्स आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सबस्टेशन की। तो दोस्तों क्या होता है कि ऐसे भी पूछ लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ से दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होंगे, उन सब क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पर हम अच्छे से आपको पॉइंट्स बताएंगे। सो प्लीज़ क्लास को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत ही हर पॉइंट अच्छे से समझ में आएंगे। तो पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सबस्टेशन की। तो जो हमारा सबस्टेशन होता है, अगर हम इसे सर्विस के बेस पर बात करें, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस, तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है कैसे, एक तो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ये हमारे एक ये किस देख सकते हैं आप, एक तो हमारा ट्रांसफार्मर सबस्टेशन होता है, वो क्या क्या करता है, तो ये करता है हमारा एक तो इस, फिर ट्रांसफार्मर जो सबस्टेशन होता है उसके भी कई सारे पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे प्राइमरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपका कहाँ से फ्रेम हुआ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले देखो आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है तो वो कितने कितने वोल्टेज पर होता है, तो आपको दे देगा 132 KV, फिर 66, 33 या फिर 1.1। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस, आपने केवल ट्रांसमिशन पढ़ा होगा, नहीं तो उसमें भी दो पॉइंट्स आ जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो इन सब दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो प्राइमरी जो हमारा जो ट्रांसमिशन होता है वो हमारा 132 KV पर भी होता है, 220 KV पर भी होता है, और हमारा कौन सा होता है दोस्तों, और हमारा 400 KV पर भी होता है। अगर हम लोग सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात करें तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन किस पे होता है दोस्तों, तो अगर हम लोग सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी जो ट्रांसमिशन होता है वो हमारा 33 KV और 66 KV पर होता है, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आपने ये सारा का सारा देख लिया, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन की। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा होता है वो 1.1 KV पर होता है, ठीक है ना, 3.3 KV पर भी होता है और 6.6 और 11 KV पर भी होता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारा 400 वोल्ट और 230 वोल्ट पर भी होता है। अभी मैंने यहाँ पर पूछा था ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस उसमें कितने प्रकार के हमारे होते हैं, वो अभी आपको बताना था, तो वो बताइए दोस्तों जल्दी से चैट में बता दीजिए कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस जो सबस्टेशन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों वो हम बता दें आपको, वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, वो हमारे होते हैं ऑन द बेसिस में हमारे 6 टाइप्स के। कितने कितने होते हैं, 6 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं, तो पहला हमारा होता है ट्रांसफार्मर सबस्टेशन, कौन सा होता है, ट्रांसफार्मर सबस्टेशन जैसे मैंने लिखी दिया। दूसरा हमारा कौन सा होता है, तो दूसरा हमारा होता है दोस्तों स्विचिंग सबस्टेशन, कौन सा होता है हमारा, स्विचिंग सबस्टेशन। फिर हमारा होता है तो दोस्तों फिर हमारा कौन सा होता है, तीसरा हमारा होता है कन्वर्टिंग सबस्टेशन, कौन सा होता है दोस्तों, कन्वर्टिंग सबस्टेशन जो हमारा एसी को डीसी में चेंज करता है, क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। चौथा हमारा कौन सा होता है दोस्तों, चौथा हमारा होता है फ्रीक्वेंसी सबस्टेशन, कौन सा, फ्रीक्वेंसी चेंजिंग सबस्टेशन। पांचवा कौन सा होता है दोस्तों, पांचवा होता है हमारा पावर फैक्टर, कौन सा, पावर फैक्टर।
इम्प्रूवमेंट सब स्टेशन, फिर छठवां हमारा होता है इंडस्ट्रियल सब स्टेशन। कौन सा? इंडस्ट्रियल सब स्टेशन। तो ये सारे के सारे छः होते हैं हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस में, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन संरचना के आधार पर हमारे सब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। अगर आपको चैट में आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों चैट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर अभी तक हमारे क्लास को आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों को। इस तरीके से तो काम नहीं चलने वाला, आपको प्रॉपर क्लासेस भी मिल रही हैं और आप प्रॉपर लाइक और शेयर भी नहीं करते हैं। और ऑनली इतने कम लोग देख रहे हो, जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि आपको न्यू और इसी तरह की रिवीजन क्लासेस और नोट्स प्रॉपर मिलते रहें, ठीक है। अच्छा बात करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन फीचर की। कंस्ट्रक्शन फीचर के आधार पर हमारे सब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? वो हमारे दो प्रकार के, एक इंडोर होता है एक आउटडोर होता है। इंडोर सब स्टेशन हमारा कितना होता है? 11/1। ये क्या करता है? 11 KV को हमारे 0.4 KV पे चेंज करता है, यानी कि 11 KV की जो लाइन होती है 400 वोल्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। आउटडोर सब स्टेशन को हम लोग आउटडोर सब स्टेशन की बात करें तो आउटडोर सब स्टेशन भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा पोल माउंटेड होता है, एक होता है फाउंडेशन माउंटेड। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समझने को, मतलब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं समझने की जरूरत है, आपको बहुत ज़्यादा फाउंड मतलब इसकी बहुत ज़्यादा जटिल चीज़ें नहीं। अब यहाँ पर पॉइंट्स कैसे निकल रहे हैं उन सब चीज़ों को आपको समझने की जरूरत है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर जैसे जो सब स्टेशन होता है तो वहाँ पर हमारे इंसुलेटर कौन कौन से यूज होते हैं। अब देखिए डायरेक्ट यहीं से जिस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव बनने हैं मैंने वही वाले पॉइंट्स डायरेक्ट यहाँ से उठा लिए हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे कौन से पोस्ट टाइप इंसुलेटर और बुश टाइप इंसुलेटर, ये हमारे किस पे यूज होते हैं? इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में यूज होते हैं, यानी कि ज़्यादा यूज होते हैं। वैसे होने को तो सारे बहुत सारे यूज होते हैं लेकिन जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा कौन से? पोस्ट टाइप और बुश टाइप। अच्छा ये पूछा था कि ट्रांसफार्मर में कौन सा सब जो इंसुलेटर यूज होता है? ट्रांसफार्मर आपने देखा ना होगा ना, इसके ऊपर कौन से सब वो इंसुलेटर यूज होते हैं बताइए दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं अगर ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो ट्रांसफार्मर के ऊपर हम लोग बुश टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं दोस्तों। चैट में बताते रहा करिए ताकि आपका भी इसी तरीके से रिवीजन। अब हम लोग बात करते हैं अगर मल्टी कोर कंट्रोल केबल्स भी यूज होती हैं सब स्टेशन में, उसमें कितने कंडक्टर मोस्टली होते हैं? 10 होते हैं, 37 होते हैं, 61 होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर नहीं कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल की बात करते हैं कौन कौन से। देखिए यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वहाँ पर आपकी ज़्यादा यूज होती हैं। जैसे जो हमारा पीटी होता है, पीटी का मतलब होता है, पीटी क्या होता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसका जो साइन आप देख रहे हैं इस तरीके से होगा और ये देखिए 3 कट लाइन है। देखिए हमें जैसे कोई ऐसे लाइन हो यहाँ पर 2, तो इसका मतलब है 2 तार, इसका मतलब है यहाँ पर 3 तार, जितने ज़्यादा कट हुए उतनी ज़्यादा। ये हमारा किसका साइन है? ये हमारा सीटी का, जिसे हम लोग बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। फिर ये हमारा आप देख रहे हैं ये हमारा किसका साइन है? तो ये हमारा साइन है लाइटनिंग अरेस्टर का। फिर हमारे ये ट्रांसफार्मर, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है। इसके बाद ये हमारा सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है, ये हमारा सर्किट ब्रेकर का है। इसके बाद हमारा लाइन आइसोलेटर का है और फिर बस आइसोलेटर का। और ये हमारा आप देख रहे हैं जो ये साइन है ये फ्यूज का है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स हैं, प्लीज़ अगर आप नोट्स कर रहे हो तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सब स्टेशन रिलेटेड टू द आई रूल्स। अब देखिए अब ये ऐसा है दोस्तों ना कि जैसे आई रूल्स तो आप पढ़ ही रहे हैं लेकिन अगर मैं हर चैप्टर को आपके किस चैप्टर में कौन कौन से आई रूल्स हैं बस उसके बारे में शॉर्ट से आपको जानना है, बहुत ज़्यादा इसके डिस्क्राइब नहीं। इसी वजह से मैंने हर एक चैप्टर के जो आई रूल्स हैं उन्हीं चैप्टर में कौन कौन से उनको भी शॉर्ट में इंक्लूड किया है दोस्तों। क्या है कि ये तो आप जो क्लास देख रहे हैं ना एक शॉर्ट में, इसी तरीके के सारे पूरी ईडीडी सेकेंड के पूरे आपके इसी तरीके से जो कंटेंट है वो पूरा प्रिपेयर हो चुका है, बस आपको लाइव देने का है। ईडीडी सेकेंड के पूरी क्लास आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से मिल जाएगी। सो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि आप जल्दी से आपको लाइव क्लासेस मिल जाए। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रिलेटेड आई रूल्स की, कौन कौन से एसोसिएशन से रिलेटेड आई रूल्स हैं। तो आई रूल्स 41 होता है, डिस्टिंक्शन ऑफ सर्किट ऑफ डिफरेंट वोल्टेज। मैंने एक इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स उसकी भी वीडियोस डाली, उसमें भी ये सारे पॉइंट्स हो सकता है आपको कवर हो गए हूँ लेकिन यहाँ पर मैं चैप्टर वाइज भी आई रूल्स को कवर करूँगा। तो 41 यहाँ पर सर्किट का जो वोल्टेज होता है उसको अगर हम उसमें भिन्नता बतानी तो हमारा रूल नंबर 41 है, ठीक। इसके बाद है प्रोविजन अप्लीकेबल टू प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये भी मैंने 43 में क्या होता है कि जैसे जो सबस्टेशन वगैरह होते हैं वहाँ प्रॉपर जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, रेत वगैरह बाल्टी इसकी सब भर के रखी जाती है ना, यानी कि जो हमारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स रक्षा संबंधी उपकरण जो भी होते हैं रखे होते हैं सबस्टेशन वगैरह में वो हमारे सब आते हैं रूल नंबर 43 के अंतर्गत। रूल नंबर 44 क्या होता है? तो इसमें आता है कि इंस्ट्रक्शन फॉर पर्सन हु, यानी कि अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है, ये सारा का सारा हमारे जो इंस्ट्रक्शन होता है ये हमारा दिया जाता है रूल नंबर 44 में, ठीक है ना। और फिर हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 51 की। तो रूल नंबर 51 में क्या होता है? इसमें होता है कि जो हमारा प्रोविज़न अप्लीकेशन टू द मीडियम हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है ना, उसके क्या क्या प्रोविजन होते हैं ये सारा का रूल नंबर 51 में बताया गया। इसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 64 में, तो यूज़ ऑफ एनर्जी, यानी कि जो हमारी हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है उसका किस तरीके से यूज करेंगे ये हमारा रूल नंबर 64 में बताया गया।
जनरल कंडीशन है ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंट्रोल एनर्जी, जो जे इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने का, ट्रांसफॉर्मेशन करने का जो जनरल कंडीशन, सामान्यतः कुछ शर्तें होती हैं उसको हम लोग रूल नंबर 68 में बात करते हैं। और जो पोल माउंटेड सबस्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम इसको हो सकता है, देखिए ये हो सकता है आपके डायरेक्ट आ भी जाए, पोल माउंटेड सबस्टेशन से कौन सा हमारा आई रूल से संबंधित होता है, तो वो हमारा होता है रूल नंबर 69। तो इस तरीके से मैंने शॉर्ट में सारे आपको जो आई रूल्स हैं 41, 43, 44, 51, 64, 68 और रूल नंबर 69 ये सारे सारे कवर कर दिए। प्लीज़ जाके अच्छे से आप इस क्लास को देखिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दिए, दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिए। दोस्तों इसी तरीके के आपके बहुत अच्छे आपके क्लासेस आपको प्रॉफिट प्रॉपर मिलती रहेंगी। अब लोग बात करते हैं जो कंस्ट्रक्शन फीचर होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन या संरचनात्मक जो उसमें क्या होते हैं फीचर होते हैं, विशेषताएँ होती है सबस्टेशन की, यानी कि कितने केवी तक कौन सा सबस्टेशन यूज होता है, ये सारे के सारे हम लोग बात करें। जैसे हम लोग बात करें इंडोर सबस्टेशन की, तो नॉर्मल हमारा 11 केवी को 0.4 यानी कि 400 वोल्ट पर चेंज करता है, और जहाँ पर पॉल्यूशन वगैरह है तो वहाँ पर 33 केवी से 66 केवी तक, क्योंकि ये क्या कर दिए जाते हैं, ये हमारी जब जहाँ पॉल्यूशन वगैरह तो वहाँ पर अंदर जो पॉल्यूशन वगैरह है, तो फिर पॉल्यूशन वगैरह के लिए हम लोग 33 केवी से 66 केवी इतने बड़े सबस्टेशन तक को हम लोग इंडोर सबस्टेशन बना सकते हैं जब हमारा पॉल्यूशन की कंडीशन हो। अब बात करते हैं कि जब ये एक डेफिनेशन मैंने लिखी है, चैम्बर स्पेस विथ विच द इक्विपमेंट्स ऑफ एनी वन बस बार कनेक्शन इज माउंटेड एज अ होल कार्ड सेल और क्यूबिक, यानी कि एक ऐसा जहां पर हमारा सारे के सारे क्या होते हैं इक्विपमेंट्स रखे होते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर होते हैं, उसे हम लोग उसको बोलते क्या है, उसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिकल और कंपार्टमेंट और या फिर सेल। ठीक, अब बात करते हैं आउटडोर सबस्टेशन की, तो आउटडोर सबस्टेशन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के देख ही रहेंगे, पोल माउंटेड और फाउंडेशन माउंटेड। अगर हम लोग वोल्टेज लेवल की बात करें तो आउटडोर सबस्टेशन पर वोल्टेज होता है वो हमारा 55 केवी से 765 केवी तक चला जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोल माउंटेड सबस्टेशन की, तो अब देखिए पोल माउंटेड सबस्टेशन को भी बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया। तो पोल माउंटेड सबस्टेशन होता है ये नॉर्मल कंडीशन में तो हमारा 11 केवी से 0.4 केवी तक यूज होता है, और इसकी जो रेटिंग है, ठीक है ना, इसकी रेटिंग हमारी 300 केवी तक चली जाती है। मैं केवल पोल माउंटेड सबस्टेशन की बात कर रहा हूँ, अब उसके भी कई सारे टाइप्स हो जाते हैं। जैसे पोल माउंटेड एक तो हमारा सिंगल पोल होता है, यानी कि एक सिंपल सा हमारा क्या हुआ पोल हुआ, उस पर हम लोग ट्रांसफार्मर लगा दिए तो वो भी एक सिंगल पोल सबस्टेशन होता है। इसकी जो रेटिंग होती है वो हमारी 15 केवीए तक ही जाती है, यानी कि 15 केवीए तक बना सकते हैं। इसके बाद एच टाइप कौन से होते हैं, जब हम दो पोल ले और उसके बीच में कोई ट्रांसफार्मर रख देते हैं उसे हम बोलते हैं टू पोल टाइप या फिर एच टाइप, क्योंकि इसमें एच बन जाता है, और इसकी जो क्षमता होती है वो 100 केवीए तक की होती है। इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों, चैट में भी आप रिवीजन करते रहिएगा, जल्दी से बताते रहिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं फोर पोल, आपने देखा भी होगा कहीं कहीं फोर पोल्स ऐसे लगे होते हैं, और यहाँ पर बीच में फिर हमारा क्या होता है, वहाँ हो सकता है वहाँ से वहाँ पर ट्रांसफार्मर रखा हो, तो इसकी जो रेटिंग होती है वो 100 केवीए से 300 केवीए तक रहती है। कहीं कहीं आप गूगल पर सर्च करते हैं वहाँ पर आपका 100 केवीए से 250 केवीए तक भी दिया है, ठीक है। सो इसकी वजह से आप परेशान मत होइएगा, वो 300 केवीए तक ही है, ठीक है। अब बात करते हैं फाउंडेशन माउंटेड की, तो इसकी जो कैपेसिटी होती है फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन की, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो हमारी होती है कितनी होती है दोस्तों, वो होती है हमारी 300 केवी से ऊपर, क्योंकि 300 तो हम लोग पोल माउंटेड सबस्टेशन से ही काम चला लेंगे। ये हमारे 33 टू 11 केवी तक रहते हैं मोस्टली, और इनमें जो ट्रांसफार्मर है वो 5 एमवीए से अधिक का यूज होता है, कितना 5 एमवीए से ज़्यादा अधिक का ट्रांसफार्मर यूज होता है इतनी रेटिंग से अधिक। अब बात करते हैं जो हमारा जैसे यूज इन लो पावर डिमांड, अब ये जो हमारा पोल माउंटेड सबस्टेशन होता है कहाँ पर यूज होता है, तो आप अपने गाँव या जो हमारे कस्बे वगैरह होते हैं वहाँ पर आप देखे होंगे यहाँ पर कौन सा सबस्टेशन यूज होता है दोस्तों, तो वहाँ पर हमारा यूज होता है कौन सा यूज होता है, वहाँ पर पोल माउंटेड सबस्टेशन ही सबसे ज़्यादा यूज होता है। आपने देखा भी होगा आपके गांव के बाहर आपके कस्बे के बाहर सबसे ज़्यादा यही रखे होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद 25 केवीए तक के सबस्टेशन में एसटी फ्यूज का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस क्वेश्चन को मैंने कुछ पे भी करवाया इस तरीके से, आप मैंने देखिए जो पूरा सबस्टेशन है, अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, अदरवाइज ये नोट्स आपके इनफ हैं, यहाँ से जितनी ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस करवाई वो सारे सारे प्रैक्टिस करिए, और इन क्लासेस को आप बराबर जितना ज़्यादा देखें, देखिए बहुत सारी बुकों को पढ़ने से और बहुत सारे चैनल्स को मैं सीधे बोला हूँ बहुत ज़्यादा आपको इससे एडवांटेज नहीं मिलेगा, एक दो चार जो भी आप दो या तीन चैनल सेट कर लीजिए उन्हीं से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे आपको प्रॉपर प्रैक्टिस होती जाएगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इससे उन सभी का भी फायदा होगा और आपको भी वो थैंक्स बोलेंगे, ठीक है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसका मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं बता दे रहा हूँ, वो डिस्क्रिप्शन पर मिल गया, नाम है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है, वही नाम सेम मैंने वहाँ पर रखा है टेलीग्राम, वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर डेली क्विज प्रैक्टिस सेट और ये रिवीजन क्लासेस सारा का सारा प्रॉपर आपको मिल रहा है, इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह वो भी आपकी प्रॉपर मिलती रहती है। सो प्लीज़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ज्वाइन होजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है ना दोस्तों। और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर डिस्कशन भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर। थैंक यू दोस्तों।